नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज के आप लोग के इस RRB NTPC मैथ्स टारगेट 2019 में यहां पर कुछ मैथ्स के संभावित क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हैं जो कि आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जिन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसके रिगार्ड आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के अपने इस क्लास को, आइए देखते हैं। दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कोई भी क्लास की लेटेस्ट अपडेट हो तो वो आपकी मिस ना हो। तो आज हम इस पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है मैंने आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के साथ। ओके तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आपको यहाँ पर ये बताना कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है जो 71 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर आपको जैसा कि 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है इन चारों में से जो आप लोग का सही आंसर है वो कौन सा है। तो 6 अंकों की आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी जो कि 71 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी, पहले तो आप लोग ये लिखेंगे 9 9 9 9 9 9, ठीक है। तो 9 9 9 9 9 यानी कि आपने 6 टाइम जो है आप लोगों ने 9 लिख दिया है तो आप लोग कहेंगे कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। हाँ तो बिल्कुल ये संख्या आप लोग की 9 अंकों की तो बड़ी संख्या है, लेकिन क्या ये 71 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी? नहीं दोस्तों, ये आप लोग की 71 से डिवाइड नहीं होगी। अब अच्छा 71 से डिवाइड करने के लिए वो कौन सी बड़ी संख्या होगी जो कि 71 से डिवाइड हो जाए? तो आइए जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाना है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग ने यहाँ पर बड़े से बड़ी संख्या 6 अंकों की लिखी थी, ये 6 times 9, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको 71 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे जैसे दोस्तों आप लोग इसको 71 से डिवाइड करते चले जाएंगे तो आपका नीचे जो है शेष में आप लोग का आएगा 35। तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना बचेगा? 35 रिमाइंडर बचेगा। जब आप लोग यहाँ पर 9,99,999 को 71 से अगर डिवाइड करेंगे और आपका शेष यहाँ पर तब बचेगा 35। तो दोस्तों आपका 35 शेष बचा है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो आपकी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी इसमें से अगर आप लोग 35 को घटा देंगे तो वो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 71 से डिवाइड हो जाएगी। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग इसमें से 35 डिवाइड करेंगे यहाँ बचेगा 4, 6, 9, 9, 9 और 9। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग का आंसर आ जाएगा 999,964। ये आपका आंसर इसमें सी वाला जो है आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपका क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब चाहे 6 अंकों की पूछी जाए, चाहे 10 अंकों की बड़ी संख्या पूछी जाए और वो चाहे किसी से भी विभाजित कराई जाए, आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर लेंगे चाहे वो किसी से भी डिवाइड हो, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था दोस्तों, उस नंबर को उसी संख्या से डिवाइड करना, उसके बाद उसमें से उसको घटा देना। जो भी आप लोग का आंसर आएगा वही आप लोग का एक्चुअल में करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इसमें। एक निवेशक अपनी पूंजी का यहाँ पर आधा हिस्सा जो है 5% पर, 1/4 हिस्सा जो है 10% पर और बाकी जो हिस्सा बचता है उसको 8% पर निवेश करता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय 2800 रुपये हो जाती है, तो पूंजी ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक फार्मूला तो आप सभी लोग जानते होंगे, यहाँ पर इसी का ही यूज़ करना है। SI बराबर होता है P×R×T/100। ये फार्मूला तो आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो इसका ही प्रयोग करके आप लोग इस क्वेश्चन को लगाना। तो कैसे आप लोग क्या लॉजिक लगाएंगे और साथ में आपको बता, जैसे कि 1/2 हिस्सा जो है ये 5% पर लगाया है, 1/4 हिस्सा दोस्तों ये 10% लगाया, बाकी बचा हुआ कितना होगा? तो पहले तो इसको निकाल लेंगे। तो दोस्तों LCM लेंगे आपका 4 आ जाएगा, इधर 2+1 यानी कि 3/4 हिस्सा तो है ही, तो शेष बचा हिस्सा कितना होगा? 1/4 हिस्सा भी और बचा है जिस पर उसने यहाँ पर 8% धन को निवेश किया है। तो दोस्तों हमारा देखिए पूंजी ज्ञात करें तो उसको मान लिया P, R हमें ये सब दे रखे हैं टुकड़ों में, 3 बार में R दे रखे हैं, लेकिन समय दे रखा है कितना? समय दे रखा है 2 वर्ष का, तो लिख लिया 2/100 लिख लेंगे। और पहला वाला देखिए दोस्तों आपका क्या है, 1/2 जो है यहाँ पर आपका 5% पर है, ठीक है, और 1/4 हिस्सा जो है ये आप लोग का 10% पर है, और फिर जो बाकी बचा हुआ हिस्सा था आप लोग का यहाँ पर कितना, साथ में 1/4 हिस्सा बचा हुआ था ये आप लोग का 8% पर है। क्लियर हो गई, 8% पर है, बराबर इन सबके क्या चल रहा है आपका 2800 चल रहा है। क्लियर दिख रहा है बिल्कुल सभी को? अब देखिए दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, अब देखिए ये तो आपका 1/2 5 है, यानी कि दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग का 5/2 ही आएगा, प्लस इसको देखिए क्या करेंगे,
आपका 2 दुनी 4, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर भी आपका 5/2 ही आएगा। इसको भी दोस्तों 2 से डिवाइड करें, 2 दुनी 4, 2 आपका 2 4 8, तो इसका आ जाएगा 4/2। तो ये बचा, साथ में दोस्तों आप लोग यहाँ बचेगा पी आपका नीचे 50 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 50 बचेगा, बराबर में आप लोग का 2800 चल रहा है, 2800 ठीक है। स्क्रीन में जगह कम है इसलिए दोस्तों नीचे 00 लगा दिए। अब इनको जोड़ेंगे दोस्तों आप लोग 5, 5, 10, 4, 14, तो 14/2, तो इसको सॉल्व करने पर आपका 7 आ जाएगा, ठीक है, 14 का आधा 7 आ जाएगा। अब 7 4 28, तो यहाँ बचेगा 400, इधर है 50, ठीक है, यहाँ बचा है 400, इधर है 50, तो बस आपका क्या आ जाएगा P अपॉन 50 बराबर आपका है 400, 5 4 20,000 रुपये। तो दोस्तों इस प्रकार उसकी पूंजी कितनी आ जाएगी, पूंजी आ जाएगी 20,000 रुपये। तो सी वाला आंसर आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ये था 72 नंबर पर। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 78 नंबर पर, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। 16 मीटर और 9 मीटर लंबे दो खंभों के बीच की दूरी आपको यहाँ पर दी गई है x मीटर। यदि दोनों के तल से एक दूसरे के शीर्ष पर उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है तो x का मान क्या होगा आपको निकालना है। यानी कि देखिए आपको क्या दिया गया, एक खंभा आपको दे रखा है 16 मीटर लंबा और दूसरा खंभा आपको दे रखा है 9 मीटर लंबा, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये आप लोग की x मीटर है। इस खंभे की लंबाई आप लोग की 16 मीटर और इस खंभे की लंबाई आप लोग की है 9 मीटर, ठीक है। और आपको दिया गया है कि ये शीर्ष पर इनके जो उन्नयन कोण हैं, जो इनके उन्नयन कोण हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि दोस्तों अगर ये जो है आप लोग का थीटा होगा तो ये आपका क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। यानी कि दोस्तों ये जो आपका एंगल होगा ये होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर दोस्तों ये आप लोग का एंगल थीटा है तो ये एंगल आप लोग का 90 माइनस थीटा होगा। अब आप लोग लगाइए क्वेश्चन को क्या करना है। सबसे पहले मान लीजिए आप लोग छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए। अगर मान लिया दोस्तों हमने ये ट्रायंगल लिया, अगर हम लोग दोस्तों इस ट्रायंगल को लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी है, ये आपकी 90 माइनस थीटा है, तो आप लोग क्या लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा लिखेंगे। लिखेंगे आप लोग 10 90 माइनस थीटा। अब 10 90 माइनस थीटा लिख लिया, ये तो हमारा एंगल हो गया। अब 10 थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार, लंब हमारा 9 है और आधार दोस्तों हमारा x है, ये लिख लिया x, तो 9/x आ जाएगा, ये लिख लिया, ठीक। इसके बाद दोस्तों हम लोग इस बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे, ये है आप लोग का बड़ा वाला ट्रायंगल, क्लियर हो गए। तो यहाँ पर क्या है इसका मान थीटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 10 थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार आ जाएगा, यानी कि दोस्तों इसमें आएगा 16/x। अब यहाँ पर 10 थीटा, यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा है, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है आप लोग का, cot थीटा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे cot थीटा बराबर हमारा आ जाएगा 9/x और 10 थीटा बराबर आपको दे रखा था 16/x। दोस्तों cot को हम लोग अगर 10 में लिखेंगे तो 1/10 आ जाएगा, तो x/9 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप लोग इसको लिखना चाहते हैं जो आपका दिया गया यहाँ पर cot थीटा बराबर 9/x, अगर 10 के फॉर्मेट में लिखेंगे तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x/9 हो जाएगा। अब 10 थीटा यहाँ पर x/9 है और एक जगह 16/x है, तो दोनों 10 थीटा के मान बराबर हो जाएंगे, यानी कि 10 थीटा बराबर 10 थीटा। तो एक 10 थीटा का मान आप लोग का है यहाँ पर 16/x और दूसरे 10 थीटा का मान अभी हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, x/9 निकाल लिया है। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग का ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आपका 16 × 9 आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 16 × 9 आ जाएगा। तो बस 16 और 9 पर आप लोग का अंडर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, और 16 का भाग 4, 9 का 3 आ जाएगा, तो 4 × 3 = 12 आप लोग का आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो डी वाला आंसर आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का 78 नंबर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। इसके बाद देखते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये रहा 79 नंबर पर। अब 11 के पहले 25 गुणजों का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों जो 11 जैसे 11 + 22 + 33 इसी तरीके से पूरी सीरीज जा रही है आप लोग की 121 तक। ये है 11 के पहले 25 गुणक, आप लोगों को 25 गुणज तक का निकालना है। अब आपको पता है ए बराबर आपको 11 दे रखा है, 25 गुणज हैं यानी कि एन का मान आप लोग को 25 दे रखा है, डी भी आपको दे रखा है क्योंकि यहाँ पर 11 का यहाँ पर गुणज निकालना, तो डी का मान भी आप लोग का 11 है। तो सबसे पहले दोस्तों माध्य ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, जो भी आप लोग दे रखे हैं 25 गुणज इनको आप लोग जोड़ेंगे, यानी कि इन 2500 गुणजों का योग और नीचे संख्या, योग बटे संख्या, ठीक है। अब देखिए आप लोग जैसे कि जोड़ेंगे तो सबसे पहले तो आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर जोड़ने वाला, क्या होता है
एस एन बराबर, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें, देखिए ये फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में डी, ये होता है योगफल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो 25 गुणजों का योगफल निकालना, सबसे पहले तो यहाँ पर ए का मान आपको पता है 11 है, एन का मान आपको 25 पता है, डी का मान भी आपको 11 पता है, तो सीधे लिखेंगे एन अपॉन टू यानी कि 25 बटे दो, टू ए का मतलब 11 दुनी 22 प्लस एन माइनस वन का मतलब एन आपका 25 है तो 24 बचेगा, 24 इंटू डी 11, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग 25 बटे दो यहाँ पर तो लिखेंगे मल्टीप्लाई में, आप लोग का यहाँ पर क्या बचेगा 22 प्लस 11 चौक 44, 11 दुनी 22 23 24 25 26, ये आपका 264 आ जाएगा। 264 में आप लोग 22 जोड़ देंगे तो आप लोग यहाँ पर 4 2 6 6 2 8 286 बचेगा। अब 2 से इसको डिवाइड करें, 2 एक कम 2 2 चौक 8 2 3 6, तो 25 गुणे 143 आ गया दोस्तों, हमारा जो योगफल आ गया 25 गुणे 143 आ गया है, ये तो हमारा योगफल हो गया। नीचे संख्या कितनी होगी 25 होगी, तो ये माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, योगफल बटे संख्या, तो संख्याओं का योगफल ये आ जाएगा ऊपर वाला, नीचे अपन संख्या, 25 से 25 डिवाइड हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा सिर्फ 143 बचेगा, यानी कि आप लोगों का सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 79 के बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, 82 नंबर पे आपको दिया गया, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। अब आपको दिया गया यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 6 है तो आपको टेन एक्स माइनस टेन अपॉन एक्स बताना है, यानी कि दोस्तों आपको मान किसका निकालना है टेन एक्स माइनस टेन अपॉन एक्स। दोस्तों अगर हम उसमें से टेन कॉमन ले लेंगे तो आपका यही तो बचेगा एक्स माइनस का वन अपॉन एक्स, तो आपको इसी का मान ज्ञात करना है। आप लोग 10 कॉमन ले लीजिए, इसका मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ से इस स्टेप को फॉलो कीजिए, आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर आपको 6 दे रखा है। अब दोनों ओर जो है हम लोग 2 से 2 माइनस करने पर, ठीक है, बोथ साइड आपका सब्सट्रैक्ट 2, दोस्तों दोनों ओर जो है हम लोग 2 से घटाएंगे, 2 घटाने पर, तो लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2, इधर भी लिखेंगे और इधर भी हमारा क्या जाएगा 6 माइनस 2 आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो आपका बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2, ए बी का मान होता है 1, ये कट जाएगा आप लोग का और यहाँ पर आपका बचेगा 4, तो ये हो जाएगा आप लोग का एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा 4, तो देखिए आपका क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 4, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा और 4 का आपका रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब यहाँ से दोस्तों मैंने कहा था 10 कॉमन लेंगे और आपका बचेगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, अब चूंकि दोस्तों मैंने इसकी वैल्यू अभी 2 निकाली है तो 10 दुनी 20 आ जाएगा प्लस माइनस का, तो यहाँ से आपका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये था हमारा 82 नंबर, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को लगाने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 89 नंबर पर आपको क्या दिया गया है, तो देखिए अब 12 लोग हैं। अब दोस्तों पहले फॉर्मूला आपको बता, देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक आपकी ये व्यक्तियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या गुणे घंटों की संख्या अपॉन में होता है काम, ऐसे दोस्तों इधर भी आपका m1 d1 h1 अपॉन w, m आपका व्यक्तियों की संख्या है, d फॉर दिनों की संख्या है, w फॉर कार्य, कितना कार्य किया है। अब देखिए यहाँ पर 12 लोग हैं, 6 दिन में करते हैं सिर्फ 1/4 काम, अब अगले 6 दिनों में काम पूरा करना है, यानी कि दोस्तों दिनों की संख्या 6 हो गई, कितने अतिरिक्त व्यक्ति आवश्यकता पड़ेगी, देखिए 12 लोग हैं कितने और ज़्यादा चाहिए, तो प्लस x मान लिया, ठीक है ये आपका x हो गया प्लस का x, और बचा हुआ काम कितना 3/4, क्योंकि 1/4 काम ही तो पूरा हुआ है तो बचा 3/4, देखिए 4 से 4 आपका ये कट गया, 3 दुनी 6 आ गया, 2 छंग 12 आ गया, 6 छंग आप लोग का 36, अब ये 36 बराबर इधर दे रखा है 12 प्लस x, अब 36 में से 12 घटाएंगे तो आप लोग का x बराबर क्या आ जाएगा 36 माइनस का 12 यानी कि x बराबर 24, अभी 24 व्यक्तियों की और संख्या ताकि हमारा कार्य जो है वो 6 दिनों में पूरा हो जाए। और बस आज का इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया, सीधे 96 नंबर पर चलते हैं। अब देखिए मनीष ने जो एक मोबाइल फोन अंकित मूल्य पर 50% की छूट के बाद खरीदा और अपने क्रय मूल्य से 35% के लाभ पर इसे 8100 रुपये में बेच दिया है, तो अंकित मूल्य क्या था ये आपको बताना है। क्लियर हो गया इतनी बात, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए मान लिया दोस्तों उसका अंकित मूल्य है एमपी, ठीक है उसका अंकित मूल्य कितना है, उसका अंकित मूल्य मान लिया एमपी, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, अब इस पर 50% छूट दी है तो यानी कि 50/100 लिखेंगे, ये 50% छूट के बाद बचा हुआ, अब इतने रुपये का पड़ा है उसे, अब इस क्रय मूल्य, अब ये क्रय मूल्य हो गया, इस पर 35% का लाभ लिया है तो 135/100 लिख लेंगे, ये 35% का लाभ ले लिया है, तो इस प्रकार उसको जो है 8100 रुपये में वो चीज़ पड़ी है। अब काटेंगे दोस्तों इसको 9 से, 9 से आप लोगों का कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा, देखिए
नौ एकम नौ, नौ पंजे पैंतालीस, इधर आ जाएगा नौ निम इक्यासी, यहाँ पर बचा नौ, 15 से काटिए, 15 छक्का 90, आपका 60 बचेगा, 60 बचा यहाँ से, ए जीरो से ये जीरो आपका कट जाएगा, तो अच्छा आप लोग का इधर 6, इधर बचा 5, 5 दुनी 10, आपका 20 बचेगा, 2000 आ गया, तो एम पी बराबर 6 दुनी 12 और 3 जीरो और लग जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार जो उसका अंकित मूल्य होगा कितना आ जाएगा, अंकित मूल्य 12000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के इस एनटीपीसी मैथ्स के टारगेट में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आप लोग के एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। बस आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए अपने सफर की ओर, मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहिए। तब तक लिए दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी क्लासेस मिलती हैं। अगर मैं दिन में आपको मैथ्स की 2 से 3 क्लासेस भी अगर प्रोवाइड कराऊं तो वो आप लोग की मिस ना, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन हर वीडियो का नहीं आता है और टाइम बाउंडेशन मैं चाहता हूँ कि ना रहे और आप लोग को सारे क्लासेस भी मिलती रहे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग के टेलीग्राम पर जैसे नोटिफिकेशन आए आप लोग तुरंत उस वीडियो को देखेंगे, तो आपको जो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने इस एग्जाम में। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।